गया थी। ये बताते हैं कि जब इनको डेट आती थी तो बहुत ज्यादा दर्द रहता था, इतनी ज्यादा पेन होती थी, कहते वो दर्द के कारण बेड से गिर जाते थे, ये चल भी नहीं पाते थे। इनके बच्चे इनको संभालते थे, इनके बच्चे ही इनको वॉशरूम लेकर जाते थे, और जॉब भी इनकी उस वजह से बहुत मुश्किल में पड़ गई। और पास्टर जी ये बताते हैं, किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया, ये चर्च आए और आपने घोषणा की कि जिनको पेट की समस्या है अपने पेट पर हाथ रखो, प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। बहन ने विश्वास के साथ रिसीव किया और बहन बताते हैं कि आज 3 महीने हो गए हैं, बहन पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं, अब पीरियड भी नॉर्मल आते हैं और दर्द भी उतना ही होता है। अभी आप बिल्कुल ठीक हैं जी? मम्मा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले आपको बहुत ज्यादा दर्द होता था जी, मम्मा जी, उठ भी नहीं परेशान रहते थे, बच्चे ही आप परेशान रहते थे और वही काम करते थे जी। मम्मा जी बच्चे भूखे भी सो जाते थे मम्मा जी, कई बार मैं बना नहीं पाती थी, इतना पेन रहता था जी, मम्मा जी। और ये कितने साल से, कितने टाइम से? ये 10-11 साल हो गया मम्मा जी, 10-11 साल से। हाँ जी मम्मा जी। उसके आंसू उसकी पीड़ा को बयान कर रहे हैं, उसका दर्द उसकी आंखों से निकल रहा है। और आपके बच्चों को खाना बना के भी नहीं दे पाते थे, सो जाते थे मम्मा जी, घर में अकेली हूँ, 2 बच्चे और मैं हूँ, और भूखे सो जाते थे बच्चे कई बार जी मम्मा, मैं बेड पर से। और आपको बहुत दुख होता था, आप चाहते थे कि मैं खाना बना के दूं, लेकिन दर्द के मारे आप उठ नहीं पाते थे जी मम्मा, नहीं उठ पाती थी मैं, बेड पर से बहुत गिरती थी, बच्चे बहुत बेड से गिर जाते थे आप जी मम्मा। अभी 3 महीने से आपका पूरा दर्द चला गया, दर्द चला गया, जो मुझे बहुत ज्यादा दर्द थी मम्मा जी, मैं कह रही थी नहीं ठीक होगा, मैंने डॉक्टर से भी दिखा ली थी। और आप कहते थे ठीक नहीं होगा क्योंकि कोई, सब डॉक्टर को भी दिखा लिया जी, हाँ जी, डॉक्टर कह रहे थे खून की कमी है, कोई कह रहे सूजन है, कोई कुछ बताते थे, मैं दवाई छोड़ दी, फिर प्रभु पर विश्वास करके मैंने आने लगी यहाँ पे। और अभी आप बच्चों को खाना भी बना के दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, कोई दर्द नहीं, पीरियड भी नॉर्मल आ रहे हैं आपके। किसने चंगा किया आपको? प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया हालेलुया। 10-11 साल की प्रॉब्लम, धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें। यीशु हमारे आंसुओं को पहुंचता है, हमारे दर्द से हमें आजाद करता है। पास्टर जी दूसरी गवाही इस बहन की ये है, बहन बताते हैं कि इन्हें एक सपना आया और सपने में ये क्या देखते हैं कि ये अपाहिज हो गए हैं, और सपने में ही इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे साथ ये क्या हो गया। बहन बताते हैं कि जब इनकी आंख खुली तो इनकी लेफ्ट लेग में पूरा पेन हो रहा था और वो पूरा पैर नीचे तक सुन्न हो गया था, कुछ भी महसूस नहीं कर पाते थे, और ये पूरा 1 हफ्ता चला। और जैसे ही संडे आया पास्टर जी, ये बहन चर्च आए और आपने प्रार्थना करी, आपने कहा आपकी बंद नसें खुलने जा रही हैं, जिनके जहां दर्द है वो गायब होने जा रहे हैं। उसी वक्त बहन ने चेक किया, बहन ने दौड़कर देखा, कोई दर्द नहीं है, सब दर्द गायब हो चुका है, आपकी लात सुन्न हो चुकी थी जी मम्मा जी। मेरा तो लगा कि है ही नहीं, मैं अब नहीं चल पाऊंगी। आपको लगा आपकी लात है ही नहीं है, अब कभी नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाऊंगी। और जब संडे आए आप यहाँ पर, जब प्रार्थना हुई उसके बाद आपने दौड़ के देखा, अभी कोई दर्द नहीं है। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो, सचमुच यीशु महान है। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की।